उन्होंने मंच पर बुलाया आप लोगों के बीच में। अभी मैं पिछले प्रोग्राम में भी आया था, डॉक्टर किशोर ने मुझे बुलाया। हमारे क्षेत्र के बहुत सारे लोग ऐसे जो इस प्रोग्राम इस कंपनी से बहुत बड़े जुड़े हुए और मेरे पास तक ये बात नहीं पहुंच पाई थी, मेरे पास तक कोई इवेंट नहीं पहुंच पाया। मैंने उनसे सवाल किया, अभी भी कुछ एक बंदे सवाल किया, मैंने पिछली मीटिंग में भी सवाल किया कि आखिर तुम लोग आसपास इतने आगे बढ़ गए हैं, वजन बढ़ गए हैं आगे खाली साहब, तो जवाब मुझे मिला कि आपको क्या ज़रूरत है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक समाज सेवक हूँ और मेरा काम है सिर्फ मैं कॉलेज चलाता हूँ। छोटे स्तर से मैंने कॉलेज शुरुआत की और एक बड़ा सेंट्रल कॉलेज है, अपने एरिए में फेमस कॉलेज है। तो एक मेरी सोच रही है कि समाज की सेवा करना, कि हमारा मन अच्छा है और हम अपने दिल से कुछ बेहतर करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो मैं अंदर से सुकून मिल पा। इससे पहले बहुत सारी कंपनियां जो नेटवर्क मार्केटिंग की हैं, अगर उस एरिया में जाती है तो मेरे पास जरूर पहुंचती। कोई कंपनी का बड़ा लीडर नहीं हुआ जो मेरे पास तक नहीं पहुंचा, वरना जो खास लीडर होते थे जो कंपनी को छोड़ने वाले होते थे, जब पूछते तो उस एरिया में जाकर तो मेरे पास जरूर पहुंचते। लेकिन मैंने आज तक किसी कंपनी से कमी नहीं हुआ। अभी भी मैंने सवाल किया था, हमारा स्टूडेंट भी है और भतीजा भी है, हमने कहा तुम तो आगे बढ़ते चले गए, आखिर हमारे हमें क्यों नहीं जोड़ा, बोले आपको जरूरत ही नहीं। इस चीज में आपको बता देना चाहता हूं कि जरूरत इसकी है, क्यों? क्योंकि इसकी आज के टाइम में चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, कितना भी अमीर क्यों ना हो, और ज्यादा से ज्यादा अमीर होता है उसे बीमारियां भी घेरती। अमीर कैसे होता है? अमीर ऐसे होता है कोई व्यक्ति जो अपना जीवन का जो मेहनत करना शुरू करता है तो वो अपने बारे में भूल जाता है, अपने स्वास्थ्य के बारे में भूल जाता है, अपने खान पान के बारे में भूल जाता है, भूखा प्यासा समोसे खा के पकौड़ी खा के अपना पूरा दिन गुजारता है। और उससे ये बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो जितना अमीर हो जाता है, बड़ा बढ़ जाता है, बीमारियां हो जाती हैं। मैंने दवाई के बारे में जानकारी ली, इरशाद ने मुझे बताया, मैं मोबाइल देख रहा था तो मुझे मोबाइल में थोड़ा सा कम चमक रहा, तो शायद मैं उससे कहा वहाँ दवा ले लो, ये दवा अच्छी है और मैं पक्का बता रहा हूँ कि 8 दिन के 10 दिन में मैंने नजर फर्क बन गया। आज मैं बताना चाहता हूँ कि एक हफ्ता हुआ, शायद 10 दिन होंगे, कितने दिन हो गया सर, 10-12 दिन हुए होंगे, नजर में फर्क महसूस हो गया, बहुत बढ़िया। ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपका मैं, क्योंकि पहले दिन इंट्रोडक्शन है मेरा आपसे। और एक चीज ये भी बताएं हम आपको कि हम तालीम देते हैं, अगर हम इतनी मेहनत करके एक फैक्ट्री भी खड़ी कर लेते तो अंदर से हमें सुकून में नहीं मिलता। जो आज हम शिक्षा देते हैं हमें अंदर से सुकून मिलता है कि हम समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। भाई आप लोग इससे जुड़े हो तो किसी के सामने भी जाते समय ये आपको घबराहट होने की जरूरत नहीं है कि हम इसके पैसे ठग रहे हैं। आप पैसे ठगने नहीं ठग रहे हैं, आप उसको कुछ दे रहे हैं, आज भी समझ में आएगा कल समझ में आएगा। और कोई भी काम करने के लिए जब कोई आप ये नेटवर्क मार्केटिंग है, निगेटिविटी बहुत फैली रहती है समाज में, लोग उल्टा बोलते हैं, उल्टा अपोजिट बोलते हैं। जब आप अच्छा काम करते हैं आपके प्रति लोग उल्टा बोलेंगे, तो इस बात पे नहीं जाने की जरूरत है, जो हमें अपने मन से संतुष्टि है हमारे कि हम बेहतर कर रहे हैं, समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं, बस करते जाना है। इसीलिए इसी सोच के साथ मैं भी शामिल होने हुआ हूँ इसमें, और मैं चाहता हूँ आप जो है मुझे भी अपना साथी बनाएं।